अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास मैट्रिक। डियर स्टूडेंट्स इन पास्ट लेक्चर्स वी कंप्लीटेड टू लेसन्स द वॉइस ऑफ गॉड एंड द वॉइस कैलिफ। टुडे आवर टॉपिक प्रोफेशंस इन विच फर्स्ट इज टीचिंग ए टीचिंग। आवर टॉपिक इज लेसन थ्री प्रोफेशंस ए टीचिंग। वन सिंधी वर्ड फॉर टीचर इज आखून। मौलिम के लिए सिंधी का एक लफ्ज आखून है। इट कम्स फ्रॉम अ पर्शियन वर्ड खानदान व्हिच मीन्स टू रीड। ये फारसी के एक मस्दर खानदान से लिया गया है। व्हिच मीन्स टू रीड जिसका मकसद है पढ़ना। It is said that God writes His laws, His law on the hearts of men, and a teacher is one who can read what He writes on the human heart. ये कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने इंसानों के दिलों पर अपना कानून नक्श किया है जो एक फकत उस्ताद ही पढ़ सकता है। This message is a reflection of God's word found in the sacred writings as well as enshrined in the work of creation, all of which came from the divine command. और ये खुदा ताला के लफ्ज का ये पैगाम खुदा ताला के लफ्ज का एक अक्स है जो पाक किताबों में पाक तहरीरों में मिलता है और तख्लीके कायनात से गहरी तरह से वो वाबस्ता है। और ये खुदा और ये सारा कुछ खुदा के ही हुक्म से वजूद में आया है। हैंड्स अ टीचर इज अ रीडर पार एक्सीलेंस। इस तरह उस्ताद एक सब बेहतर पढ़ने वाला है, सबसे बेहतर पढ़ने वाला है। वन हु फुलफिल्स गॉड्स कमांड एक्सप्रेस इन द फर्स्ट वर्ड ऑफ द रिवीलेशन व्हिच सेज वही व्हिच सेज रीड। ये उस हुक्म रबानी की जो वही के पहले लफ्ज से में कहा गया है पढ़ो उसको बजा लाता है। द टीचर इज वन हु नोज हाउ टू रीड गॉड्स वर्ड्स बी इट रिटन ऑन द ह्यूमन हार्ट और द होली बुक आर इन नेचर। उस्ताद मुअल्लिम एक ऐसी शख्सियत है जो जानता है कि खुदा का कानून जो इंसानी दिलों पर नक्श है उनको कैसे पढ़ा जाए और जो अल्लाह की जो पाक किताबों के अंदर जो लिखा हुआ है उसको कैसे पढ़ा जाए और जो फितरत में कुदरत कानून में लिखा हुआ है कुदरत में लिखा हुआ है उसको कैसे पढ़ा जाए या वो नेचर में है उसको किस तरह से पढ़ा जाए। हैंस आवर ओन लैंग्वेज पजेस द वर्ड आखून। इसलिए हमारी अपनी जबान में लफ्ज आखून मौजूद है व्हिच इज द बेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ अ टीचर्स स्टेटस एंड डिग्निटी। जो एक मुअल्लिम के दर्जे व अजमत को बेहतरीन तरीके से जाहिर करता है। Such a high position requires that the teacher strives to be more and more worthy of it. ऐसी आला हैसियत का तकाजा है कि एक मुअल्लिम अपने आप को ज्यादा काबिल बनाने की कोशिश करे। This a teacher does by cultivating several personal and professional qualities. ऐसा उस्ताद बहुत सारी शख्सी और पेशावराना खूबियों को अपनाने के बाद ही बनता है। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई पीपल इन द ईस्ट हैव ऑलवेज हैड अ वेरी हाई रिगार्ड फॉर टीचर्स रिवरिंग देम एज होली। इससे ये बात भी वाज़ह हो जाती है कि अहले मशरक वाले असातज़ा की इतनी ज्यादा इज्जत और एहतराम और अजमत की निगाह से क्यों देखते हैं और उनको पाकबाज लोगों की तरह उनका अदब भी करते हैं।
So dear student, this is a part one of this lesson, third lesson, professions, in which A is teaching. So keep in mind the theory and purpose of this lesson, of this part. Thank you. God bless you.